आदाब, के फिनिश 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सरकार और राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बीच गतिरोध, 31 अगस्त को कांग्रेस निकालेगी मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भूमि आवंटन पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरा, बीजेपी ने पूछे 7 सवाल। नए राशन कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड के लिए 17 सितंबर से आवेदन स्वीकार करने की तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। थाने के कपल ने 1 लाख रुपए में अपने 5 दिन के बेटे को बेचा, इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार। बंगाल बंद के दौरान सड़क पर मचा कोहराम, बीजेपी नेता पर चलाई गई 6 राउंड गोलियां। अब समाचार विस्तार से। यादगिर के एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व अध्यक्ष तंजीमुल मुस्लिमीन और बैतुल माल के अध्यक्ष और यादगिर के कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष अलहाज मोहम्मद लायक हुसैन बदल का मंगलवार 27 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के कारण 69 साल की उम्र में निधन हो गया। मस्जिद चौक हुसैनी आलम गांधी चौक यादगिर में नमाज जनाजा अदा की गई और हजरत सैयद शाह जीवन शाह कब्रिस्तान यादगिर में दफनाया गया। उनके निधन से देश के एक गतिशील जन नेता अलहाज लायक हुसैन बादल को खो दिया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, जो हमेशा पार्टी के लिए सक्रिय रहते थे। वो मजलिस बल्दिया यादगिर, केंद्रीय श्रम विभाग कल्याण समिति, नई दिल्ली के सदस्य थे। यादगिर जिले के गठन के बाद से वो अब तक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्हें बिजनेसमैन राइस मिल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यादगिर और यादगिर कॉमर्स एंड चैम्बर्स के अध्यक्ष के रूप में कर्नाटक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का राज्य सचिव भी बनाया गया था। उनके निधन की खबर पाकर कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक हस्तियां उनके घर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यादगिर के पत्रकार साजिद हयात ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर वेंकट मुस्तफाजिल को जानकारी दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ लोकायुक्त और एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। इस मामले में अभियोजन के लिए जांच एजेंसियों ने पत्र लिखा है, लेकिन इस पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में हमने कर्नाटक के राज्यपाल को सलाह दी है कि हमारी जानकारी के अनुसार 4 आपराधिक मामले हैं, जिनकी जांच लोकायुक्त और एसआईटी समेत कई विभागों की तरफ से की गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक सरकार के 3 अन्य पूर्व मंत्री शामिल हैं। इन सभी की जांच पूरी की जा चुकी है, उनमें से कुछ के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जांच एजेंसियों ने लोकायुक्त को अभियोजन के लिए पत्र लिखा है, इस पर राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। हमने उन्हें सलाह भेजी है कि आपको अनुमति देना होगी, इसलिए इसके विरोध में हम 31 अगस्त को विधान सौधा में गांधी प्रतिमा से राजभवन तक राजभवन चलो मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। मुडा घोटाले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को भूमि आवंटन करने पर भाजपा ने एक बार फिर कर्नाटक सरकार को घेरा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से मामले को लेकर 7 सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसका पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया कि कर्नाटक में नया खड़गे भूमि घोटाला हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के एक ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में दी गई है, जबकि ये जमीन एससी कोटा के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित थी। इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, दामाद और गुलबर्गा से सांसद राधा कृष्ण और बेटे कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे और राहुल खड़गे शामिल हैं। शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सरकार से 7 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये सत्ता के दुरुपयोग और भाई भतीजावाद और हितों के टकराव का मामला है। मार्च 2024 में उद्योग मंत्री ने इस आवंटन पर सहमति कैसे दी। खड़गे परिवार एरोस्पेस उद्यमी कब बन गया और भूमि के लिए कब पात्र हुआ। क्या ये ऐसी उद्यमियों और युवाओं के साथ अन्याय नहीं है। क्या उन्हें उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए था। मुडा घोटाले के बाद एक और खटाखट
लूट, क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? क्या राहुल गांधी जो खुद राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाले के आरोपी हैं वो इस पर कुछ बोलेंगे या पहले की तरह चुप रहेंगे? क्या ये पूरा खुलासा कांग्रेस के एक गुट ने किया है? भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष बी वाई विजेंदर ने मंगलवार को कहा कि वो MUDA यानी मुडा साइट आवंटन घोटाले पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के बारे में पार्टी के राज्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। विजेंदर, जिन्होंने सोमवार को यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के कई नेताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च आयोजित करने का समर्थन किया। इस मुद्दे पर प्रदेश कोर कमेटी से चर्चा के बाद विरोध रैली निकालेंगे। चन्नापटना सहित कर्नाटक में 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी उपचुनावों पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर नड्डा के साथ चर्चा की है। विजेंदर ने कहा, पार्टी अध्यक्ष ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। अब वक्त है ब्रेक, अब के बाद जल्द लौटते हैं। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GST थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए, यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सहित सभी कांग्रेस विधायक इस शनिवार को विधानसभा से राजभवन तक पैदल चलेंगे और राज्यपाल थावरचंद गहलोत से केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी और 3 पूर्व भाजपा मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का आग्रह करेंगे। कांग्रेस सरकार ने पहले ही कैबिनेट के फैसले के माध्यम से राज्यपाल से आग्रह किया है कि उन्हें कुमारस्वामी, भाजपा की शशिकला जोले, मुरगेश निरानी और कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के जी जनार्दन के खिलाफ लंबित अभियोजन स्वीकृत अनुरोधों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मार्च की घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष जीतन शिवकुमार ने कुमारस्वामी के इस दावे पर सवाल उठाया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संदिग्ध श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स को खनन पट्टा देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर से 10 दिनों तक राज्य भर में प्रजा पालना कार्यक्रम आयोजित करके नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन एकत्र करने का निर्णय लिया है। सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक की और प्रजा पालना कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार परिवार के सभी सदस्यों को नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए प्रजा पालना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के बीच कोई लिंक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक परिवार से विवरण प्राप्त किया जाएगा। नागपुर पुलिस ने 5 दिन के बच्चे के परिजनों समेत 6 लोगों को बच्चे को एक निसंतान दंपति को 1 लाख रुपए में बेचने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी निरोधक दस्ते AHTS की कार्रवाई से अवैध बाल तस्करी का एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें न केवल लेनदार और देनदार बल्कि लेनदेन में मध्यस्थता करने वाले 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। आरोपी माता पिता ने कथित तौर पर अपने नवजात शिशु को उस निसंतान दंपति को बेच दिया जो बच्चा गोद लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
लेकिन उन्होंने गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। जैविक माता पिता के अलावा पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाले दंपति और सौदे में मदद करने वाले दो मध्यस्थों को भी गिरफ्तार किया है। अब वक्त एक और ब्रेक है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का मंगलवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया। इन स्टेशनों के नाम संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। उत्तर रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं उनमें जायस रेलवे स्टेशन, अकबरगंज रेलवे स्टेशन, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, वारिसगंज हाल्ट रेलवे स्टेशन, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन, मिसरौली रेलवे स्टेशन और कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन शामिल हैं। आदेश के अनुसार कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम जायस सिटी रेलवे स्टेशन, जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम माँ कालीकन धाम, बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस, अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम, वारिसगंज हाल्ट स्टेशन का नाम अमर शहीद भोले सुल्तान के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा निहालगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन किया गया है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर के विरोध में आज बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है। बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी नेता पर्यंगु पांडे पर 6 राउंड फायरिंग की गई। दो लोग बीजेपी नेता पर गोली चलाते देखे गए। घटना के दौरान नेता गाड़ी के भीतर मौजूद थे। गोली चलाने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। गोली चलाने वालों की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दो शख्स गोली चलाते देखे जा सकते हैं। गोली लगने के बाद बीजेपी नेता पर्यंगु पांडे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उनके ड्राइवर के सिर में गोली लगी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पर्यंगु पांडे का ड्राइवर दिखाई दे रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सरकार और राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बीच गतिरोध, 31 अगस्त को कांग्रेस निकालेगी मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भूमि आवंटन पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरा, बीजेपी ने पूछे 7 सवाल। नए राशन कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड के लिए 17 सितंबर से आवेदन स्वीकार करने की तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। थाने के कपल ने 1 लाख रुपए में अपने 5 दिन के बेटे को बेचा, इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार। बंगाल बंद के दौरान सड़क पर मचा कोहराम, बीजेपी नेता पर चलाई गई 6 राउंड गोलियां। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।